अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल मुखीत, आप देख रहे हैं मेंटी न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महबूबनगर के दौरे पर एमआईएम के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी का नाम लिए बिना तेलंगाना के तमाम सियासी पार्टियों को निशाना बनाया। अकबरुद्दीन अवैसी के कुछ दिन पहले दिए गए बयान की मजलिस की ताकत के आगे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तमाम हुकूमतों को झुकना पड़ा। इस बात का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के सिवा तमाम सियासी पार्टियाँ एमआईएम से डरती है। अरे आप गौर करो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या हमारे सामने झुकता है या नहीं? बाबू से लेके राजशेखर रेड्डी से लेके किरण कुमार रोशया या केसीआर, सब सुनते हैं ना, झुकते हैं ना, तो तवाज़ो में कुव्वत किसके पास है? बेशक मैं बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह गर हो, जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकता हूं, जिसको चाहे तख्त पे आना ले जा सकता हूं। भाइयों बहनों, मैंने सुना कि हां अनाप शनाप बोलने की फैशन करने वाले कुछ नेता है, उन्होंने कहा है कि आंध्र हो या तेलंगाना, किसी को भी राज करना है तो हमारे कदमों में बैठना पड़ता है, हमारे पैरों के नीचे बैठना पड़ता है। वाईएसआर रेड्डी को बैठना पड़ता था, चंद्रबाबू को बैठना पड़ता था, किरण रेड्डी को बैठना पड़ता था, कांग्रेस वालों को बैठना पड़ता था, और ये टीआरएस वालों को भी बैठना पड़ता है। मैं आज तेलंगाना को कहना चाहता हूं, अरे जिस स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़े थे आप, आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कभी किसी के चरणों में बैठने के लिए राजी नहीं होगा। वो बैठेगा तो तेलंगाना की जनता जनार्दन के चरणों में बैठेगा।